हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल व्रत का नाश्ता। ये नाश्ता ना सिर्फ एक चम्मच तेल से बनेगा और ये बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना ले लिया है, छोटा वाला साबूदाना है, मैंने इसे भिगोया नहीं है, बस ये साबूदाना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भिगोया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है, तो ग्राइंडिंग जार में इसे डालकर ग्राइंड करना है, मतलब हमें इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसे एक बोल में निकाल लें। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लें। पेस्ट मतलब बस हमें पानी मिलाना है इसमें, क्योंकि जो साबूदाना है ना वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो इसमें इस तरीके से पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं, क्योंकि हमें पानी आप जब इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जितना भी पानी आपने डाला ये सारा सोख कर लिया है साबूदाने ने, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लें। मैंने भी इसमें 3 से 4 बार पानी डाला है और उसके बाद भी इसमें पता नहीं लगता है कि पानी है भी कि नहीं इसमें। तो अब ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड में रखते हैं और अब 3 से 4 बॉयल आलू ले लें, इसे मैश कर लें इस तरीके से, स्पून से मैश कर लें या हाथ से मैश कर लें, हमें तो मैश करने से मतलब है। बस अब ये मैश हो चुका है, इसे हमें साबूदाने में मिला लेना है। और टेस्ट के लिए इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें बारीक कट करके, थोड़ा सा नमक मैंने आधा चम्मच डाला है और आधा चम्मच जीरा और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, सबको मिक्स कर लें। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें जो है आप सेंधा नमक डाल लें, मैंने नॉर्मल नमक का यूज़ किया है जो हम लोग डेली खाते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अगर आप स्पून से नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो इसे हाथों से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें और इसे एक बार मिक्स कर लें अच्छे से। तो अब ये मिक्स हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एक आप अपम मेकर ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लें इस तरीके से। तो क्योंकि आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो आप ऑयल की जगह घी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऑयल यूज़ करें जो आप व्रत में खा सकते हो। तो बस अब ये ग्रीस हो चुका है, अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे चम्मच से उठाकर इस तरीके से डाल दें। तो ये देखिए मैंने सबको फिल कर दिया है, अब इसे गैस पर रख दें और इसे लो फ्लेम पे कर दें। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए पकाते हुए, अब इसे पलट देंगे, अब देख रहे ना कितना अच्छा कलर आया है। तो एक स्पून ले लें, उसकी हेल्प से इसे पलट दें इस तरीके से। और ये बिना तेल का नाश्ता है तो आपको बहुत ही फ़ायदा भी करेगा, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है इसमें, आप इसे खा सकते हैं बेझिझक कितना भी, जब तक आपका पेट ना भर जाए, ऑयल नहीं है कि आपको सोचना पड़े। तो इसे पलट कर दूसरे साइड में भी पका लेंगे लो फ्लेम पे, 2 मिनट के लिए पका लें, बस ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये दूसरे साइड में भी हो चुका है, अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लें। तो ये मैंने सारा निकाल लिया है, अब जो बाकी का मिक्सचर बचा हुआ है तो हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पहले अपर मेकर में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लें।
और अब इसमें बैटर डाल देंगे। एक एक चम्मच इनफ है, इससे ज़्यादा इसमें आएगा भी नहीं, और अगर उससे ज़्यादा आप डालेंगे ना तो वो मोटा हो जाएगा, तो फिर खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये प्रोसेस मैं आपको दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस बार हम ना इसे ढक कर पकाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे कवर करके भी पका लिया है, ये सेम वैसा ही है। तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं और बिना कवर करे भी पका सकते हैं। कवर करके पकाने से क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ये जल्दी हो जाता है। तो बस अब ये रेडी है, आप इसे खाइए चाय के साथ और अपनी जन्माष्टमी को स्पेशल बनाइए।